स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। स्टार्ट करवा दिया था हमने इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 7.6, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन है एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा आईलेट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इनवर्स पहले आता है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को रहने देंगे, इंटीग्रेशन हम एक्स की करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन फर्स्ट की, इंटीग्रेशन सेकंड की डी एक्स, और बाहर क्या आएगा डी एक्स। चलो ये पावर वन है ना, इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स की वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितनी आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू और डी एक्स। बड़ा यहाँ पे पुट कर लेना एक्स की जगह साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ पे मिल गया एक्स स्क्वायर बाई टू, यह आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर की जगह हमने कितना पुट किया साइन स्क्वायर थीटा, यह आएगा कॉस थीटा डी थीटा, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा देखो ये तो है तो कॉस स्क्वायर थीटा ही है ना, तो कॉस स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये कॉस कट गया, तो हमारे पास जो लेफ्ट बचेगा वो होगा साइन स्क्वायर इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू। हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा का बेटा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, ये तो कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। यह आएगा वन माइनस कॉस ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू इंटू डी थीटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, वन बाई टू 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 जब कितना आएगा फोर, ठीक है। वन की इंटीग्रेशन अलग कर दो, माइनस माइनस वन वन बाई फोर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ टू थीटा एंड डी थीटा, ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई फोर थीटा, बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ टू थीटा, टू थीटा का नीचे आएगा टू, क्लियर है, प्लस आ गया सी। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर थीटा प्लस वन बाई फोर, ये बेटा फॉर्मूला बनेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे प्लस आ गया सी, नीचे कितना था टू 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 कैंसिल। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, मैं से लिख सकता हूँ ना ऐसा माइनस वन बाई फोर, चलो थीटा ही रखते हैं, यह आ जाएगा प्लस वन बाई फोर साइन थीटा, चलो ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइंस का थीटा प्लस सी, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा है। अब वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई फोर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कितना आ गया एक्स रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। बच्चे साइन इनवर्स एक्स को वैल्यू निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस वन बाई फोर एक्स रूट एक्स स्क्वायर वन माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बेटा फोर ले लो एलसीएम तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा प्लस वन बाई फोर एक्स रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ये आप लोगों का क्वेश्चन है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आपको चार नंबर में आ सकता है इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन। तो बेटा आपने किया क्या है देख लीजिए, इसे फर्स्ट फंक्शन माना है, इसे सेकंड फंक्शन माना है, ठीक है। पहले को रहने दिया दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरे को रहने दिया दूसरे पहले की डिफरेंशिएशन, दूसरे की इंटीग्रेशन, इसकी डिफरेंशिएशन वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो बेटा इसमें क्या आ गया वन बाई टू बाहर आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, इसकी कॉस थीटा डी थीटा डी एक्स की जगह, और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होता है, ये कैंसिलेशन होगी। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, तो टू टू या फोर हो गया, ठीक है, माइनस वन बाई फोर आ गया, प्लस वन बाई फोर इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, वो देखिए। उसके बाद हमने बेटा क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई टू ठीक है, साइन इनवर्स एक्स भी ठीक है, माइनस वन बाई फोर डी थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, थीटा आ गया वन बाई फोर कॉस टू थीटा की साइन टू थीटा बाई टू आ गई। तो आपको पता है साइन टू थीटा कितना होता है, टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है, टू टू कैंसिलेशन होगी, फिर यहाँ पे पहुंचे साइन थीटा कॉस की जगह हम लगा सकते हैं रूट वन माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया कॉस थीटा इसकी जगह, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस वन बाई फोर हमने वैल्यूज पुट कर दी फिर बाद में, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था,
साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई टू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमने यहाँ पे फोर एलसीएम ले लिया तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, टू एक्स, पता ना एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, फोर आ गया तो फोर को जब टू से डिवाइड किया, टू अच्छा मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस वन आ गया तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई फोर एक्स रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन था। तो बेटा इसी तरीके से आप लोगों ने इनको क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है इनवर्स वालों को। इनवर्स वाला क्वेश्चन नंबर अगर एट देखोगे तो क्वेश्चन नंबर एट में जो है वो है एक्स टैन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एट है। तो बेटा इसमें फर्स्ट इसको मानो, सेकंड मानो, और आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन याद रखना है कि वन बाई एक्स स्क्वायर जो होता है वो टैन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नाइन में अगर आओगे तो बेटा बिल्कुल सेम है, वो है एक्स कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल इसी तरह चलना है। यहाँ पे सिर्फ लास्ट में कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्यों, इसमें फर्स्ट इसको सेकंड, यहाँ पे हमने जहाँ एक्स किया साइन थीटा पुट किया है वहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये प्रोसीड करोगे तो क्वेश्चन आप लोगों से निकलेंगे। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।